आज मैं इस तरह से चना फ्राई बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ रीमा, आप सबका स्वागत करती हूँ रीमा किचन में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही घंटी के निशान को दबाए ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 500 ग्राम काला चना लिए हैं, इसे 5 से 6 घंटा पानी में भिगो लिए हैं। सबसे पहले इसे उबाल लेते हैं। यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिए हैं, अब इसमें चना डालेंगे। अब इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे, साथ में आधी चम्मच नमक। नमक को अच्छी तरह मिला देते हैं। नमक को अच्छी तरह मिला दिए हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके गैस को ऑन करेंगे और इसमें 2 सीटी लगाएंगे। प्रेशर कुकर में 2 सीटी लग चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। प्रेशर कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसका ढक्कन खोल लेंगे। अब सभी चना को पानी से निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे। सभी चना को पानी से निकाल लिए हैं। ये देखिए, चना अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब फ्राई पैन को गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर फ्राई पैन को गर्म कर लिए हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होते ही इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में थोड़ी सी हींग। कुछ सेकंड इसे इसी तरह भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें थोड़ी सी कटे हुए अदरक डालेंगे, 2 से 3 कली कटे हुए लहसुन, अब इसमें डालेंगे 2 से 3 कटे हुए प्याज, प्याज को मिला लिए हैं। इसे इसी तरह चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखे हैं। तीन मिनट प्याज को भून लिए हैं। अब इसमें 2 कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे। कुछ सेकंड इसे भी भून लेते हैं। कुछ सेकंड हो चुका है, अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को मिला लिए हैं। इसी तरह चलाते हुए टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। टमाटर हल्का सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें सभी मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच,
काली मिर्च का पाउडर आधी चम्मच। सभी मसाला को मिला लेते हैं। मसाला को अच्छी तरह मिला लिए हैं। 2 मिनट इसे इसी तरह भूनेंगे। दो मिनट मसाला को भून लिए हैं। ये अच्छी तरह से भुना चुका है तो अब इसमें उबले हुए चना डालेंगे। एक चम्मच नमक। सभी कुछ को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसे अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसे ढककर 2 मिनट पकाएंगे। दो मिनट ढककर पका लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 नींबू का रस। गरम मसाला और नींबू रस को मिला लेते हैं। गरम मसाला और नींबू रस को मिला लिए हैं। 2 मिनट इसे इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। दो मिनट सभी को भून लिए हैं। ये चना फ्राई तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं। ये चना फ्राई तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।